शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि असल में एक डीलर होता है और वो एक डीलिंग करके अपने घर वापस जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे अपना एक जरूरी काम याद आता है और अभी वो एक स्टैचू के पास खड़ा होकर अपना काम कर ही रहा होता है तो तभी अचानक से उसकी नज़र एक घर से निकलती हुई रोशनी पर पड़ती है और ये रोशनी कोई आम रोशनी नहीं होती बल्कि जादुई रोशनी होती है। अब इस रोशनी को यहाँ पर देखकर वो डीलर काफी डर जाता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब ये रोशनी असल में एक प्रोफेसर के घर से निकल रही होती है जिसका नाम जोसेफ होता है और वो प्रोफेसर असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं और वो काफी मशहूर भी थे क्योंकि उन्होंने 16 साल की इतनी छोटी उम्र में ही फिजिक्स की डिग्री हासिल कर ली थी और उनका कहना था कि मरने के बाद भी इंसान की जिंदगी पॉसिबल है, यानी अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है और इसी चीज पर ये प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है एक म्यूजियम पर। यहाँ पर हमें काफी बड़ा और काफी पुराना अंडा देखते हैं। ये अंडा कई सालों पुराना था और फिर देखते ही देखते वो अंडा टूट जाता है और तभी उसमें से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। ये ड्रैगन दिखने में काफी डरावना लग रहा था। वो म्यूजियम का कांच तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो ड्रैगन सीधा जाता है एक ब्रिज पर जहाँ एक गाड़ी में दो हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो कहीं पर जा रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन उनकी गाड़ी को ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देता है। इसके फौरन बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि असल में एक साइंटिस्ट का असिस्टेंट होता है। ये काफी सीधा साधा, काफी भोला भाला था और इस टाइम ये एक गार्डन में काम करता है। ये एक लड़की जो कि इसकी दोस्त भी होती है उसे बहुत पसंद करता है और उस लड़की का नाम एडल होता है। इस टाइम ये असिस्टेंट अपने दोस्त एडल के लिए ही खत लिख रहा होता है। फिर अगले ही सीन में हमें वही लड़की दिखाई जाती है यानी कि एडल, और एडल ही असल में हमारी मूवी की हीरोइन है। इस टाइम वो इजिप्ट के डेजर्ट एरिया में होती है और वो यहाँ आकर एक डॉक्टर के कॉफिन यानी कि ताबूत को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर दो आदमी मिलते हैं जो कि असल में चोर होते हैं। साथ ही साथ वो यहीं के ही रहने वाले थे और उनके पास इस पूरी जगह का नक्शा भी था और वो ये बात जानते थे कि इस डॉक्टर का मकबरा कहाँ पर है यानी जहाँ उसका ताबूत है। और अब ये लोग एडल के साथ उस मकबरे तक पहुँच जाते हैं और अब जैसे ही लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मकबरे का रास्ता बंद किया गया है दीवार के जरिए। तो अब एडल उस दीवार से मकबरे का रास्ता खोल देती है और अब जैसे ये लोग मकबरे में एंटर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा सोना होता है। अब इतना सारा सोना देखकर वो दोनों चोर तो जैसे पागल ही हो जाते हैं, इसीलिए वो उस सारे खजाने को इकट्ठा करने लगते हैं और एडल वहाँ पर रखे एक ताबूत के पास जाती है और ये ताबूत उसी डॉक्टर का होता है जिसे एडल यहाँ पर ढूंढने आई थी। अब जब वो दोनों चोर सोना इकट्ठा कर रहे होते हैं तो इन दोनों को यहाँ पर खजाना लूटने की सजा मिलती है, यानी बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से उनकी मौत हो जाती है। फिर एडल अपने साथियों को उस ताबूत को खोलने के लिए कहती है और अब जैसे ही ताबूत को खोला जाता है तो उसमें से एक मम्मी निकलती है। अब उसको देखकर एडल खुश होती है और कहती है कि हाँ यही वो डॉक्टर है। और अब देखते ही देखते वहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर भी था। यहाँ आकर वो एडल से पूछता है कि तुम जैसी अच्छी और समझदार रिपोर्टर यहाँ पर क्या कर रही है। तब यहाँ एडल उसे बताती है कि ये जो डॉक्टर है ना, मैं इनकी मम्मी को यहाँ से लेने आई हूँ क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है, काफी अच्छे डॉक्टर है। तब ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम इससे इंसानियत का इलाज करवाओगी। इस पर एडल कहती है कि नहीं, इंसानियत का तो नहीं, बस सिर्फ अपनी बहन का, क्योंकि मेरी बहन इतनी बीमार है कि उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। ये सुनकर वो प्रोफेसर कहता है कि एडल ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, कि तुम नहीं जानती कि ये मर चुका है और ये इसकी मम्मी है, तो ये कैसे उसका इलाज करेगी। तब एडल बड़े ही आराम से जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये मरा हुआ है। तो वो पूछता है तो फिर इसे जिंदा कैसे करोगी। तब ये सुनकर एडल कहती है कि प्रोफेसर जोसेफ, जानते हो ना आप उनको, वो इसे जिंदा करेंगे, वो काफी जाने माने साइंटिस्ट भी हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसी खूबी है जिसकी मदद से वो किसी भी मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। तब ये सुनकर वो प्रोफेसर उससे कहते हैं कि हाँ मैं जानता तो हूँ उसको, लेकिन अब वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो बूढ़ा हो चुका है और वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो तो इस मम्मी को जिंदा करते करते ही मर जाएगा। फिर वो प्रोफेसर अपनी पुलिस से कहते हैं कि जल्दी से
एडल को अरेस्ट कर लो क्योंकि ये एक गैर कानूनी काम कर रही है। लेकिन एडल एक काफी समझदार और चालाक लड़की होती है। वो प्रोफेसर को बड़ी चालाकी से बेवकूफ बनाकर उस ताबूत को अपने साथ लेकर पानी के रास्ते बाहर निकल आती है। उधर पुलिस के सामने उसी डीलर को लाया जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ पुलिस उस डीलर से उस रात के बारे में पूछती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तब यहाँ वो डीलर उन्हें उस ड्रैगन के बारे में बताता है और कहता है कि पहले मैंने रोशनी देखी और फिर मैंने ड्रैगन देखा। लेकिन पुलिस उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि पुलिस को लगता है कि उस रात ये शराब के नशे में था, तो क्या पता ये सारी बातें वो शराब के नशे की वजह से कर रहा हो। इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। फिर वो सारे पुलिस ऑफिसर्स आपस में बात करने लगते हैं कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए, ये बात बाहर जाने नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोगों में ड्रैगन का डर फैल जाएगा। लेकिन अगली ही सुबह न्यूज़पेपर में ये खबर छपी होती है कि शहर में एक काफी बड़ी चीज उड़ती हुई देखी गई है और वो चीज ड्रैगन है और इस ड्रैगन ने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया है। फिर जब इस बारे में वहाँ के प्रेसिडेंट को पता चलता है तो वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें इस ड्रैगन के बारे में पता लगवाना है। फिर अगले ही सीन में हमें वही म्यूजियम दिखाया जाता है यानी जहाँ पर अंडा तोड़कर वो ड्रैगन बाहर निकल गया था। यहाँ पर हम एक साइंटिस्ट और उनके साथ उसी असिस्टेंट जो कि एडल को पसंद कहता है उसे देखते हैं। यहाँ वो दोनों उस अंडे के सामने खड़े होते हैं और उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। उनका भी यही मानना था कि इस अंडे में से परिंदे जैसी कोई चीज उड़ के चली गई है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो उन दोनों से इस अंडे के बारे में मजीद पूछते हैं। तो वो साइंटिस्ट कहते हैं कि हाँ हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला, इसीलिए अब पुलिस वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर जोसेफ को देखते हैं और इनके पास यहाँ वही ड्रैगन आ जाता है। असल में इस ड्रैगन को भी प्रोफेसर जोसेफ ने ही जिंदा किया था अपने नए एक्सपेरिमेंट के जरिए। यहाँ पर हमें इन दोनों के कनेक्शन की एक बात पता चलती है यानी कि उन दोनों की सोल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब क्योंकि वो ड्रैगन भूखा होता है इसीलिए प्रोफेसर उसे खाने के लिए मांस देते हैं। लेकिन तभी पुलिस यहाँ पर भी पहुँच जाती है। पुलिस के आने के बारे में प्रोफेसर को भी पता चल जाता है और वो फौरन उस ड्रैगन को अपने घर में ही छुपा लेते हैं। फिर जब पुलिस अंदर आती है और पुलिस और प्रोफेसर आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर एक अंडा देखता है, इसीलिए उस अंडे को खाने लगता है। लेकिन जैसे वो ड्रैगन उस अंडे को देखता है तो वो उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि पुलिस ने उस ड्रैगन को प्रोफेसर के घर में देख लिया था इसी वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। सीन चेंज होकर जाता है एडल पर जो कि इजिप्ट से वापस आ जाती है और वो अपने साथ उस ताबूत को भी लाई होती है यानी जिसमें उस डॉक्टर की मम्मी थी। एडल यहाँ पर स्टेशन से सीधा अपने घर जाती है। यहाँ पर हमें एडल की वही बहन दिखाई जाती है जो कि बीमार है और उसकी हालत तो काफी खराब होती है, ना वो बोलती है ना वो खाती है, बस ऐसे ही जिंदा लाश की तरह है। वजह ये होती है कि उसके दिमाग में एक हेयर पिन घुसी होती है। अब हालांकि एडल ने उसका काफी इलाज करवाया था लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया, इसीलिए तो एडल इस डॉक्टर मम्मी को यहाँ पर लाई होती है क्योंकि वो इस डॉक्टर मम्मी को जिंदा करके अपनी बहन का इलाज उनसे करवाना चाहती है। लेकिन तभी एडल की नज़र दरवाजे के नीचे पड़ती है जहाँ से वो असिस्टेंट एडल के लिए वही खत डाल रहा होता है जो कि वो लिख रहा था। लेकिन तभी अचानक से एडल दरवाजा खोल देती है और वो उस असिस्टेंट से वो खत ले भी लेती है। कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये लेटर मेरे लिए है, ठीक है मैं इसे पढ़ लूंगी। तभी एडल की नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें प्रोफेसर जोसेफ के बारे में एक न्यूज लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि प्रोफेसर जोसेफ को फांसी की सजा दी जा रही है। अब उसे पढ़ने के बाद एडल थोड़ा परेशान हो जाती है, इसीलिए उस असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर ये फांसी की सजा कहाँ दी जाती है। तब ये सुनकर वो असिस्टेंट कहता है कि यहाँ पास में जो जेल है ना वहीं पर ही दी जाती है। जेल का पता लेने के बाद एडल फौरन वहीं पर ही चली जाती है। फिर वो एक वकील का भेस बनाकर प्रोफेसर जोसेफ से मिलने जाती है। यहाँ पर प्रोफेसर जोसेफ उसे बताते हैं कि मैंने बहुत साल पुराने एक अंडे से एक ड्रैगन को जिंदा कर दिया है। तब यहाँ पर एडल उनसे कहती है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास एक डॉक्टर की मम्मी है, तो क्या आप उसे जिंदा करेंगे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस जेल से बाहर निकल पाऊंगा क्योंकि मुझे तो फांसी होने वाली है। ये सुनकर एडल कहती है कि मैं आपको इस जेल से आजाद करवाऊंगी, ये वादा है मेरा आपसे। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस को
को एडल के बारे में पता चल जाता है, यानी कि वकील के कॉस्ट्यूम में कोई वकील नहीं है बल्कि वो तो एडल है। इसीलिए फौरन एडल को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एडल प्रोफेसर जोसेफ को वहाँ से निकालने के लिए एक बार फिर से भेस बदल कर जेल के अंदर जाती है, लेकिन पुलिस वाले एक बार फिर से उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानती और इसीलिए बार बार कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार वो नाकामयाबी रहती है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस एक शिकारी के जरिए उस ड्रैगन को ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें वो ड्रैगन कहीं पर भी नहीं मिलता। उधर एडल फिर से भेस बदल कर जेल के अंदर चली जाती है और फाइनली प्रोफेसर की जेल तक पहुँच जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि इस जेल में प्रोफेसर नहीं है बल्कि उनकी जगह कोई और है। यहाँ वो आदमी एडल को बताता है कि उस प्रोफेसर को तो किसी और जेल में ले गए हैं, क्योंकि वहाँ से ही उसे अगली सुबह फांसी दी जाएगी और अब उसे बचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, बल्कि उसे तो कोई बड़ा इंसान ही बचा सकता है। तभी बात सुनकर एडल सीधा प्रेसिडेंट के पास जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी सालों से काफी अच्छे से जानते थे। यहाँ एडल उस प्रेसिडेंट से कहती है कि मैं एक खास मकसद के लिए आपके पास आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप वो बात पूरी करेंगे भी, प्लीज प्रोफेसर जोसेफ को जेल से आजाद करवा दीजिए ना। तभी सुनकर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहाँ पर भी आ जाता है और वो प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है, लेकिन एडल खुद सामने आकर प्रेसिडेंट को बचा लेती है। लेकिन वहाँ उस ड्रैगन को कोई भी नहीं देख पाता, इसीलिए सबको लगता है कि एडल ने ही प्रेसिडेंट पर हमला किया है। इसीलिए एडल को अरेस्ट कर लिया जाता है कि उसने प्रेसिडेंट पर हमला किया है। उधर हमें वही असिस्टेंट और उसका साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं। असल में यहाँ पर उन दोनों ने उस ड्रैगन के खाने के लिए कुछ मांस और कुछ अंडे रखे हुए थे और ये दोनों हमेशा ही ऐसा ही करते हैं, यानी इस तरह करके वो हर रोज इस ड्रैगन को खाना खिला देते हैं और वो ड्रैगन भी हर बार अपना खाना खाने के लिए इसी जगह पर ही आ जाता है। वो ड्रैगन अब इस जगह को ही अपना घर समझने लगा था। अब ये देखकर वो साइंटिस्ट अपने उस असिस्टेंट को काफी शाबाश देता है और उससे कहता है कि वाह तुम तो जीनियस निकले। उधर एडल काफी अपसेट होते हुए वापिस से अपने घर पर आ जाती है और अपनी बहन से कहती है देखो मेरी प्यारी बहन मुझे माफ कर दो, मैंने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहने के बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। नहाते हुए वो उसी असिस्टेंट का लेटर पढ़ने लगती है। अब खत पढ़ने के बाद एडल को ये बात पता चलती है कि वो असिस्टेंट जानता है कि आखिर वो ड्रैगन कहाँ पर है। इसीलिए अब एडल उस असिस्टेंट के साथ उस ड्रैगन के पास जाती है। अब उस ड्रैगन को देखकर वो डरती नहीं बल्कि वो उसके पास जाती है और उसे दोस्ती करने में कामयाब हो जाती है। फिर वो उस ड्रैगन के साथ मिलकर प्रोफेसर जोसेफ को बचा लेती है। फिर वो सीधा वहाँ से अपने असिस्टेंट के पास आती है। यहीं पर उस असिस्टेंट का साथ यानी कि वो साइंटिस्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये साइंटिस्ट और प्रोफेसर जोसेफ एक दूसरे के दोस्त हैं, इसीलिए वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो शिकारी भी आ जाता है जिसे कि पुलिस ने भेजा होता है। वो वहाँ आते ही उस ड्रैगन को शूट कर देता है। अब इसकी वजह से उस ड्रैगन को काफी तकलीफ होती है और इस चीज का असर प्रोफेसर जोसेफ पर भी होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। लेकिन अब इससे पहले कि प्रोफेसर मरते एडल उन्हें अपने घर ले जाती है। यहाँ प्रोफेसर एडल से कहते हैं कि जितने भी एंशियंट चीजें हैं उन सबको एक सर्कल में रखो। फिर वो उस मम्मी को जिंदा करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस मम्मी को जिंदा करते करते प्रोफेसर खुद मारे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर के मरते ही वो ड्रैगन भी मर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर मरने से पहले पहले उस मम्मी को जिंदा कर चुके थे। फिर वो मम्मी जिंदा होकर अलमारी से बाहर आता है और सीधा वो एडल की बहन के पास जाता है और वो उसके बारे में एडल से पूछता है कि बीमार है क्या हुआ इसे। तब यहाँ पर एडल उसे बताती है कि असल में 5 साल पहले एक हादसा हुआ था जहाँ पर हम दोनों बहनें टेनिस गेम खेल रही थी, लेकिन तब गलती से टेनिस बॉल मेरी बहन के सर पर लग गई और तब उसके बालों से हेयर पिन निकल कर उसके सर में घुस गई और बस तब से ही उसका ऐसा हाल है, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह, ना बोलती है ना खाती है ना कुछ करती है। यहाँ पर एडल मम्मी से कहती है कि आपके पास जितनी नॉलेज है उससे ये ठीक हो सकती है। तब ये सुनकर वो मम्मी कहता है कि जितनी नॉलेज मेरे पास है ये उसे ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इसका मसला ज्यादा है। तब ये सुनकर एडल हैरान होते हुए उससे पूछती है तो इसका मतलब है
कि आप स्पेशलिस्ट, आप डॉक्टर नहीं हैं? तब मम्मी कहते हैं कि नहीं, ना मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मैं कोई स्पेशलिस्ट हूँ, बल्कि मैं तो मामूली सा सर्जन हूँ। तब वो मम्मी कहते हैं कि अगर उस प्रोफेसर ने मुझे जिंदा किया है तो इससे सिर्फ मैं ही जिंदा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी मुर्दे हैं वो सभी जिंदा हो गए होंगे। इसीलिए अब वो मम्मी, एडल और उसकी बहन पास ही वाले म्यूजियम में जाते हैं, यानी जहाँ पर मेन डॉक्टर स्पेशलिस्ट का ताबूत रखा गया था। अभी वो जगह थी जहाँ पर राजा और उनके सिपाहियों के ताबूत रखे गए थे। फिर यहाँ पर एडल एक एक करके सारे ताबूत में से सारी मम्मीज को जगा देती है। फिर इसके बाद ये लोग उस ताबूत को खोलते हैं जिसमें राजा की मम्मी होती है। और अब जैसे ही राजा की मम्मी जागती है तो वो कहती है, अरे वाह, मजा आ गया, बहुत मजे की नींद आई। और अब वो जाकर काफी खुश था। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि एडल ने उसे जिंदा किया है अपनी बहन को ठीक करने के लिए, तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है। तब इस पर एडल कहती है कि प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, मैं उसे खो नहीं सकती। तब ये बात राजा का माइंड बदल देती है और वो भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए वो अपने डॉक्टर से उसका इलाज करने के लिए कहता है। फिर वो डॉक्टर अपने तरीके से एडल की बहन का इलाज कर देता है और अब देखते ही देखते वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद राजा और उसके सारे साथी पूरे शहर की सैर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ एडल अपनी बहन को ठीक देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले मिलती है। अब उसकी आंखों में यहाँ पर हम खुशी के आंसू भी देखते हैं। उधर वो सारी मम्मीज पूरे शहर में घूम रही होती हैं, एंजॉय कर रही होती हैं। इसके फौरन बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एडल एक शिप का सफर शुरू करती है। उसकी जर्नी स्टार्ट होते ही ये